जय श्री राम टू वन एंड ऑल। यस, गुड मॉर्निंग एवरी वन, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली फाइन। यस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वंस अगेन फाइबर टू फैब्रिक। एंड इन प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस वन। ना कंटिन्यू वी विल दिस टॉपिक वंस अगेन। यू कैन सी I was telling you questions about this one na. These are NCERT questions of your textbook. Question number 8, match the word of column 1 with those given in column 2. You can see here, you are familiar with these words, scoring, mulberry leaves, या cocoon. Scoring क्या होता है? Cleaning of shared hair. जो sharing किए हुए hair से उनको clean करना. Mulberry leaves क्या होती हैं? These are feeding materials of larva of silkworm. ओके, या क्या होता है? ये एक एनिमल है जो कि वूल फाइबर्स ऑब्टेन करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। और ककून, ककून जो होता है बटरफ्लाई की जो लाइफ हिस्ट्री होती है उसमें एक स्टेज ऐसी भी आती है जब ये ककून में कन्वर्ट होते हैं, एंड बाय दीज ककून्स फाइबर्स कैन बी सेपरेटेड। ओके, सो इस फॉर स्कोरिंग वॉट यू विल से? क्लीनिंग शेयर्ड स्किन। यू कैन सी ना, एब्सोल्युटली क्लियर इज दिस। यदि आपको सारे वर्ड्स की इंफॉर्मेशन है, यू नो अबाउट दिस वन, इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, तो आप ये क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे सॉल्व कर देंगे। सो इट इज रिलेटेड टू दिस वन, मुलबरी लीव्स फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, दिस आई टोल्ड यू ना। तो इसको हम यहाँ इससे मैच करने वाले हैं। याक, या क्या होता है? वूल यील्डिंग एनिमल, इट मीन्स वूल प्रोवाइड करने वाला एक एनिमल होता है ये। तो यहाँ हम इसको इससे मैच करने वाले हैं। एंड देन आफ्टर ककून, ककून यील्ड सिल्क फाइबर्स, ककून जो होते हैं वो सिल्क फाइबर ऑब्टेन करने वाला हमें ये ककून होता है, ठीक है। इससे हमें क्या मिलते हैं? सिल्क फाइबर मिलते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू दिस वन, क्लियर? आई थिंक यू हैव रिटन ऑल्सो ना इन योर बुक। ये हमें बुक में ही करना है, ठीक है। जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या मेज द कॉलम है या फिर उसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स है, दीज थिंग्स यू हैव टू डू इन योर बुक ऑल्सो। बुक ओनली की बुक में रखिएगा, कॉपी में नहीं करना है। ओनली क्वेश्चन आंसर्स यू टू डू इन योर कॉपी। Given below is a crossword puzzle based on the this lesson, and use hints to fill in the blank spaces with letters that complete the words. And you are also similar with this puzzle na? I think आपको fill करना भी आता होगा। यदि मैं आपसे बोलती हूँ down, so down it means हमें letters जो हैं वो ऊपर से नीचे की ओर fill करना है, ठीक है। इफ इट इज अक्रॉस इट मीन्स हमें लेफ्ट टू राइट फिल करना है। कई बार क्या होता है कि हमें मीनिंग पता होता है लेकिन हमें पजल में फिल करना नहीं आ पाता है, और हम आते हुए भी मिस्टेक कर देते हैं और मार्क्स को गवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले दिया हुआ है डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे आना है आपको, एंड पॉइंट नंबर 1। सो यू कैन सी यहाँ पर और भी हिंट दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है डाउन फॉर डी और एक्रॉस फॉर ए। तो यहाँ आपको D1 देखना है। अब D1 कहाँ पर है आपका? दिस वन, D1, यानी कि यहाँ हमें अप टू डाउन इन कॉलम्स के अंदर हमें फिल करना है। ओके, व्हाट इट इज सेइंग? थ्रू वॉशिंग, थ्रू वॉशिंग। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? फॉर दिस यू कैन सी हियर, यस, इन दिस एट फर्स्ट विल सी अबाउट दिस वन, कीप वार्म, हमें गर्म रखता है। तो कौन हमें गर्म रखता है? फॉर दिस वी विल सी A1, एंड दिस इज A1। सो कौन हमें गर्म रखता है? वी आर टॉकिंग अबाउट फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर ना, सो हियर विल टॉक अबाउट दिस वूल, WOOL, वूल। वूल कीप्स अस वार्म, ठीक है। और ये कैसे वॉर्म रखता है ये भी आपको मैंने बताया था। वूल फाइबर जो होते हैं वो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो हीट प्रोवाइड करते हैं, वूल फाइबर जो होते हैं वो हमारी बॉडी की हीट को एटमोसफियर में जाने से रोकते हैं। अब वो कैसे रोकते हैं? एज वी नो वूल फाइबर्स आर फ्लफी, वो फ्लफी होते हैं, सो द ट्रैप द एयर फ्रॉम द एटमोसफियर, एटमोसफियर की जो एयर होती है उसको वो ट्रैप करके अपने अंदर फिक्स कर लेते हैं। अब ये जो एयर होती है दिस इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट,
अभी क्या करेगी, ये जो हीट है, ये जो एयर है, वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देगी और बाहर के जो कूल एयर है उसको अंदर भी नहीं आने देगी. नाउ हियर दिस ट्रैप्ड एयर इज एक्टिंग एज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो बॉडी से बाहर नहीं जाती है एंड दैट्स व्हाई वी फील वार्म. इसलिए हमें गर्माहट की महसूस होती है. ठीक है, इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वार्म. नाउ सेकंड टू के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इट इज़ इन एक्रोस. नाउ सेकंड सेकंड ए, दिस इज सेकंड ए, यानी कि यहाँ हमें फिल करना है. इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म एंड आई टोल्ड यू अबाउट दिस वन. किसकी जो लीव्स होती हैं जो कि सिल्क वॉर्म के थ्रू खाई जाती हैं, इट इज़ मुलबरी लीव्स. सो हियर वी विल राइट डाउन मुलबरी, एम यू एल बी ए डबल आर वाई, मुलबरी लीव्स. हैचेज फ्रॉम एग ऑफ मोथ, हैचेज फ्रॉम एग ऑफ मोथ. मोथ यानी कि सिल्क मोथ के जो एग्स होते हैं उनमें से जब वो हैच होते हैं तो उनमें से क्या बाहर आता है, इन थर्ड ए विल सी दिस वन, इट इज़ कॉल्ड कैटरपिलर. आर यू सेइंग ना, उनमें से जो लार्वा बाहर आता है उन लार्वा को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर, सी ए टी ई आर पी आई डबल एल ए आर, दिस इज कैटरपिलर. ओके, नाउ विल सी हियर थ्रू वॉशिंग इन वन डी, यू कैन सी हियर दिस इज, I think it should be scoring ना, S C O U R I N G, but यहाँ पर कुछ miss हो गया है. I think ये proper नहीं है table, ये जो puzzle है ये proper नहीं है. So through washing, it means जो wash करते हैं उसको हमने क्या बोलते हैं, scoring. In second, animal fiber, you have to write down the name of one animal fiber, as we know very well, या तो wool होता है या फिर silk होता है. In 2D, we'll see according to this one it will be S I L K. ये हमें words के according देखना है कि letter कौन सा है. अब यहाँ पर बीच में L है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, silk लिखना होगा. Long thread like structure, long thread like structure होती है वो क्या होती है, third D, this is called, you can see ना hint is also there, B or R. So we can say here F I B R E, it's fiber. Now here it is saying through washing. Washing में से जो हमें जो washing की जाती है उसके लिए हमने क्या word use किया था, scoring. तो यहाँ पर ये scoring word बनेगा, but कुछ mistake हुई है कि यहाँ पर जो letter है नीचे लिया नहीं गया गया है. जैसे इसके लिए क्या बोलेंगे हम, S C O U R, यहाँ पर होगा इस साइड में I, फिर ये N और उसके बाद में आएगा ये I N G. तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है. ठीक है, स्कोरिंग फॉर दिस वी विल यूज़, क्लियर. तो इस तरह से हमें ये पजल को सॉल्व करना है. देन आफ्टर, चलिए अब एग्जाम्पल स्टार्टिंग है. नाउ वॉट यू हैव टू डू, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आपको अपनी कॉपी में प्रॉपरली मैंशन करना है. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर आंसर्स, सो गो इन स्टडी अड्डा ऐप, उसमें आपको एन सी आर टी सोल्यूशन मिलेगा टॉपिक, उसमें सारे आंसर्स दिए हुए हैं. ठीक है, सो यू हैव टू राइट डाउन प्रॉपरली. और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, मेज द कॉलम, ठीक है, इसके अलावा ट्रू फॉल्स हैं, वो आपको बुक में ही प्रॉपरली फिल करना है. क्लियर, चलिए. नाउ एवरीबडी कीप ओपन योर एग्जाम्पलर बुक. हम एग्जाम्पलर बुक में से क्वेश्चंस को अब समझने की कोशिश करते हैं. एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट राइट एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम्पलर बुक. वो आपको बुक में ही रखना है और बुक से स्टडी करना है. ठीक है, नो रिक्वायरमेंट टू राइट डाउन. इससे बेटर ये है कि आप स्टडी कीजिए, जो टाइम आप राइटिंग में ख़त्म करने वाले हैं उस टाइम को आप स्टडी में दीजिएगा, तो आपके लिए बेटरमेंट होगा. ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो रही है, उसी टाइम में आपने लर्न भी कर लिया और आपकी स्टडी भी प्रॉपर तरीके से हो गई. ठीक है, नाउ वील सी सम क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, क्वेश्चंस वही हैं, नथिंग इज़ न्यू.
जो हमने बुक में स्टडी किया है, बस ओनली वे ऑफ आस्किंग इज़ डिफरेंट. सिर्फ पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है. इसलिए एग्जाम्पल में ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को समझो प्रॉपर तरीके से. यदि आपको सेंटेंस को रीड करके क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो पहले उसी पे फोकस करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली दिस क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ो. लर्न करने के बारे में बाद में सोचो, पहले ये देखो मुझे क्वेश्चन यदि मेरे सामने आता है तो मैं उसको समझ पाती हूँ या नहीं समझ पाती हूँ. ठीक है. एंड कंटिन्यूसली आई विल वॉच योर कमेंट्स. यहाँ में हम क्वेश्चंस पे जब डिस्कस करते हैं तब मैं कंटिन्यू आपके कमेंट्स देखती हूँ. कल मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा था, मैम यू आर नॉट वॉचिंग माई कमेंट. जब लेक्चर का जो टाइम रहता है बेटा, उस समय मैं केवल लास्ट में कमेंट्स देखती हूँ. ठीक है. एट द टाइम ऑफ एग्जाम्पल कंटिन्यूसली आई विल सी योर कमेंट्स. ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म. जब हम सिल्क वॉर्म को रेयर करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क को पाने के लिए, उसे हमने क्या नाम दिया है? दिस इज कॉल्ड ककून, सिल्क, सेरिकल्चर और सिल्वी कल्चर. यू नो अबाउट दिस ककून ना? ककून जो है वो तो सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री का एक पार्ट है, जिसमें वो ककून में कन्वर्ट होता है. ठीक है. ककून एक शेल होता है जिसके अंदर सिल्क वॉर्म जो होता है वो प्यूपा की फॉर्म में होता है. सिल्क, दिस इज़ द टाइप ऑफ फाइबर. सेरिकल्चर, दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सेरिकल्चर इज़ द प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क. अब इसके बाद में ये है क्या, ऑब्टेनिंग ऑफ सिल्क. यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, सिल्वी कल्चर. सिल्वी कल्चर क्या होता है? सिल्वी कल्चर इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग एंड केयरिंग फॉरेस्ट. यहाँ पर फॉरेस्ट जो होते हैं उनके प्लांट्स की डेवलपिंग और उनकी केयरिंग को देखा जाता है, इसे हम बोलते हैं सिल्वी कल्चर. एंड इन प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू अबाउट मोरी कल्चर ऑल्सो ना. मोरी कल्चर में क्या होता है, इसमें मुलबरी लीव्स जो होती है उसकी प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता है, बिकॉज इट इज़ द ईटिंग मटेरियल फॉर सिल्क वॉर्म. ओके. नाउ नेक्स्ट, Which of the following is not a type of silk? अब यहाँ जो हमारे पास चार ऑप्शन है उसमें से एक टाइप जो है वो सिल्क नहीं होता है. मुलबरी सिल्क, टासार सिल्क, मूगा सिल्क एंड मोथ सिल्क. एंड आई टोल्ड यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ सिल्क. उसमें क्या होता है, मेन जो सिल्क वॉर्म होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनसे सिल्क भी हमें अलग अलग तरह के मिलते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की वेराइटी ऑफ सिल्क का, सिल्क वॉर्म का यूज़ करने जा रहे हैं सेरिकल्चर के लिए. अब मुलबरी सिल्क, मुलबरी सिल्क वो होता है जिसमें सिल्क वॉर्म जो होता है वो मुलबरी की लीफ पर फीडिंग करता है. टासार सिल्क जो होता है वो मुलबरी की लीफ पर फीडिंग नहीं करेगा, उसके लिए दूसरे टाइप के प्लांट्स होते हैं. इसी तरह से मूगा सिल्क होता है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट दिस मोथ सिल्क, तो ऐसे किसी भी टाइप का कोई सिल्क फाइबर नहीं होता है. सो मोथ इज़ द सिल्क वॉर्म अंडर डेवलपमेंट इनसाइड अ ककून. एक्चुअली मोथ जो होता है वो तो क्या है, सिल्क वॉर्म जो होता है वो डेवलपिंग स्टेज पर होता है. मुलबरी, टासार एंड मूगा, दीज आर वेराइटीज़ ऑफ सिल्क प्रोड्यूस बाय डिफरेंट रियरिंग प्रैक्टिसेस. जब रियरिंग प्रैक्टिस अलग अलग होती है उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग वेराइटीज़ के सिल्क मिलते हैं. ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या चूज़ करना है, मोथ सिल्क. पहली वॉन्टेड, वॉट इज़ ग्लोगर मैम? What are you asking, beta? I am not getting Glogar. I don't know about this one. SST answer sheet कब आएगी? Beta, you should ask your sir ना, वही बता पाएंगे आपको beta. मैं अपनी तरफ से और बोल दूंगी. What is grading? Grading, beta, ये word भी मैंने आपको chapter में बिल्कुल नहीं बताया है. Grading, gardening जरूर बताया है मैंने आपको, grading नहीं बताया है. वंस अगेन आर यू सेइंग मी व्हाट इज ग्रेडिंग? बेटा मैंने आपको ग्रेडिंग वर्ड कहाँ यूज़ किया है?
चलिए आगे देखते हैं. पहली वॉन्टेड टू बाय अ गिफ्ट मेड ऑफ एनिमल फाइबर ऑब्टेन विदाउट किलिंग द एनिमल. अब यहाँ पर देखिए पहली क्या चाहती थी, पहली को एक गिफ्ट खरीदना है. पहली वॉन्टेड टू बाय अ गिफ्ट एंड इट शुड बी मेड अप ऑफ एनिमल फाइबर, जो कि एनिमल फाइबर का बना हुआ होना चाहिए, विदाउट किलिंग द एनिमल. लेकिन वो जो गिफ्ट है वो होना चाहिए एनिमल फाइबर का बना हुआ, लेकिन उसमें उस एनिमल की जान नहीं जानी चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द राइट गिफ्ट फॉर हर टू बाय. आपको क्वेश्चन आते ही समझ में आ चुका होगा, पहले को एक अपने फ्रेंड को गिफ्ट देना है और उसका जो मटेरियल है वो एनिमल फाइबर से बना हुआ होना चाहिए. उसकी कंडीशन लेकिन ये भी है कि वो एनिमल मरना नहीं चाहिए. अब उसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि वो उसे कौन सा गिफ्ट देना चाहेगी, वुलन शॉल या फिर सिल्क स्कार्फ या फिर एनिमल फर केप या फिर लेदर जैकेट. इसके लिए हम राइट आंसर चूज़ करेंगे वूलन शॉल, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वूलन शॉल जो है वो वूल फाइबर से मिलता है और वूल फाइबर जो होता है वो शेयरिंग के थ्रू अलग किया जाता है, लेकिन इसमें उस एनिमल को ना तो कोई इंजरी आती है और ना ही उसे किल किया जाता है. यदि हम सिल्क स्कार्फ की बात करते हैं तो वो बना हुआ एनिमल फाइबर का है, लेकिन आपको पता है इसमें सिल्क वॉर्म को ककून स्टेज पर मार दिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर वो सिल्क स्कार्फ को गिफ्ट नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उसकी कंडीशन है विदाउट किलिंग द एनिमल, उसे एनिमल को मारे बगैर या कोई हर्ट करे बगैर वो गिफ्ट देना है. अब है एनिमल फर केप. अब इसमें क्या होता है कि जो एनिमल की जो फर केप होती है उसमें उसकी पूरी स्किन को निकाला जाता है, तो ये तभी निकाला जा सकता है जब एनिमल को मार दिया गया हो. और लेदर की जैकेट ये भी तभी बनाई जाती है जब जो एनिमल जो मर जाते हैं तो उनकी पूरी स्किन को निकाल लिया जाता है, उससे फिर लेदर जैकेट बनाई जाती है. लेदर जैकेट क्या होती है, एक्चुअली वो एनिमल की स्किन ही होती है. तो यहाँ पर एनिमल्स को हर्ट किया जा रहा है, बट इन दिस केस नो हर्ट नो किलिंग ऑफ द एनिमल, सो शी विल चूज दिस वूलन शॉल. रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस गिवन हर आर ऑब्टेन्ड बाय किलिंग एनिमल्स बट वूल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शेयरिंग ऑफ द स्किन ऑफ शीप. यहाँ पर शिप की शेयरिंग प्रोसेस करके फाइबर्स को निकाला गया है अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन. यहाँ पर भी स्किन निकाली गई है लेकिन स्किन की बिल्कुल थिन लेयर निकाली गई, जिससे कि उस एनिमल को कोई इंजरी भी नहीं हो रही है और ना ही वो मर रहा है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number 4, silk fiber is obtained from, I think it's clear to you, मुझे बताने की requirement नहीं है. It is obtained from fleece of sheep. No, जो यदि fleece of sheep की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें किसके बारे में सोचना है, about wool. Wool is obtained from fleece of sheep. Cotton ball, cotton ball से क्या मिलता है आपको, cotton fibers मिलते हैं. ठीक है, फ्रॉम ककून यू गेट दिस सिल्क फाइबर एंड शाइनी जूट स्टॉल्क. जो शाइनी जूट स्टॉल्क होता है उससे आपको जूट फाइबर्स मिलते हैं, ना कि सिल्क फाइबर्स मिलते हैं. सो यू कैन सी हियर ना, आंसर इज एब्सोल्युटली क्लियर, ऑप्शन नंबर सी. ककून इज वन ऑफ द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म. फ्लीश ऑफ शीप गिव्स वूल, कॉटन बॉल गिव्स कॉटन एंड जूट स्टॉल गिव्स जूट फाइबर. ठीक है, तो यहाँ हमें क्लियर हो जाएगा ककून. नेक्स्ट क्वेश्चन. वूल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोविंग. वूल फाइबर जो है वो हमें इन एनिमल्स से में से किस एनिमल्स से नहीं मिलता है. ठीक है, कैन नॉट बी ऑब्टेंड. अब कई बार क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि किससे मिलता है, तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन है थोड़े से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, सो इट्स रिक्वायर टू रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. अब यहाँ पर हमें उस एनिमल पर टिक करना है जिससे आपको वूल फाइबर नहीं मिलता है. इट इज़ गॉट, लामा, एल्पका और मोथ. यू नो वेरी वेल अबाउट दिस वन. मोथ जो होता है वो सिल्क वॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि वूल फाइबर के लिए. सो राइट आंसर इज मोथ. मोथ इज एन इंसेक्ट वाइल अदर थ्री आर द एनिमल्स विथ फर विच प्रोड्यूस वूल.
क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, आपको मैंने समझाया था कई बार सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है. आर ओ इज सेइंग मी मैम व्हेन आई एम कमिंग कमेंटिंग माय डाउट इट इज टेलिंग दैट नो वीडियो कमेंटेड. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग बेटा व्हाट आर यू सेइंग. आरओई व्हाट डू यू वांट टू से बेटा. यस सिलेक्टिव ब्रीडिंग, सिलेक्टिंग द ऑफ स्प्रिंग्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज. पहले हमें इन स्टेटमेंट्स को समझना होगा, देन यू कैन आइडेंटिफाई प्रॉपरली. यह हमें रटना नहीं है बेटा, वो तो मुझे ही पता है कि आंसर दिया हुआ है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड सो दैट यू कैन इजीली गिव आंसर्स विदाउट रीडिंग और विदाउट लर्निंग. सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज. क्या इसका मतलब ये होता है कि आप ऑफ स्प्रिंग्स जो स्मॉल बेबी होते हैं उन्हें सिलेक्ट करते हैं उनके अपनी डिजायर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से कि जो आपकी इच्छा है. तो यहाँ पर आप किसको कर रहे हैं सिलेक्ट, ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि स्मॉल बेबीज जो होते हैं एनिमल्स के उनको करते हैं आप सिलेक्ट. सिलेक्टिंग द पेरेंट्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टी, सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी आप डिजायर्ड प्रॉपर्टी वाले पेरेंट्स को यहाँ पर आप सिलेक्ट कर रहे हैं. इन दो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर भी डिजायर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एनिमल को सिलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उसके ऑफ स्प्रिंग बेबी को सिलेक्ट किया जा रहा है. सेकंड ऑप्शन में उसके पेरेंट को सिलेक्ट किया जा रहा है. सिलेक्टिंग एन एरिया ऑफ ब्रीडिंग, क्या सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि ब्रीडिंग के लिए जो कोई एरिया जो हमने चूज करा उस एरिया को सिलेक्ट करना, या सिलेक्टिंग फाइन हेयर फॉर गुड क्वालिटी वूल, या फिर इसका मतलब ये होता है कि हमने बहुत अच्छे क्वालिटी के हेयर्स को सिलेक्ट किया है. एंड फॉर दिस राइट आंसर इज बी ऑप्शन. या सिलेक्टिव ब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि अच्छी गुड प्रॉपर्टीज़ वाले जो हमारी इच्छा है वैसी प्रॉपर्टी वाले पेरेंट्स को यहाँ पर हमें चूज़ करना है मेल और फीमेल को, सो दैट वी कैन गेट गुड क्वालिटीज़ ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स, ताकि जब उनके बेबीज़ हों तो वो भी कैसे हों, गुड क्वालिटीज़ वाले हों. सो वेन सर्टेन डिज़ायर्ड ट्रेड्स यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेरेंट्स आर कंसिडर्ड बिफोर ब्रीडिंग इट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग. तो इसीलिए हमने किसको चूज़ करा है, ऑप्शन नंबर बी. तो यहाँ पर बेबीज़ को चूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ पेरेंट्स को चूज़ किया जाता है विद डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़. ओके, और इसमें ना तो कोई एरिया चूज़ किया जाता है, इसमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग में नहीं आता है ये कि भाई पहली स्टेप इसके सिलेक्टिव ब्रीडिंग होनी चाहिए, एरिया आप जो चाहें वो चूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. No video ad comment. Now question number 7, the general process that takes place at a sheep shearing shed is, the general process, it is saying about this one, the general process that takes place at a sheep shearing shed is, it is removal of fleece, it is separating hair of different textures, washing of sheep fiber to remove grease or rolling of sheep fiber into yarn. यहाँ पर एक general process के बारे में पूछा गया है, जिसमें क्या होता है, शीप शेयरिंग शेड इज, यहाँ पर ये होता है. एंड यू नो वेरी वेल अबाउट दिस वन, शेयरिंग का मीन्स क्या होता है, हेयर्स को या फ्लीश को रिमूव करना. सो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में, इट इज़ कॉल्ड रिमूवल ऑफ फ्लीश. जबकि सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्स्चर्स. क्या शेयरिंग का मीन्स ये होता है कि डिफरेंट टेक्स्चर्स के हेयर को सेपरेट करना, इसका मीन्स होता है सॉर्टिंग करना. ओके, और यहाँ पर उसने सॉर्टिंग के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पर उसने शेयरिंग के बारे में पूछा है.
वॉशिंग ऑफ शिप फाइबर टू रिमूव ग्रीस, यहाँ पर ग्रीस को रिमूव करने के लिए वॉशिंग किया जा रहा है शिप फाइबर को, और ये इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने स्कोरिंग नाम दिया था, ठीक है। एंड रोलिंग ऑफ शिप फाइबर इंटू यान, यहाँ पर ये भी क्या हो रहा है, रोलिंग हो रही है, इट मीन्स स्पिनिंग हो रही है, जिसमें शिप फाइबर्स को यान में कन्वर्ट किया जा रहा है और हेयर्स को स्ट्रेट किया जा रहा है। सो दैट्स व्हाई वी विल चूज दिस ऑप्शन नंबर वन। आपको ऐसा नहीं केवल आपने क्वेश्चन पढ़ लिया एंड और आपने उसके अकॉर्डिंग बस रिप्लाई जो था उसको आपने समझ लिया, सारे ऑप्शंस को समझने की कोशिश करो, सारे ऑप्शंस को समझने की कोशिश करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आंसर समझ में आ जाएगा। सारांश, यू डोंट नो माई नेम बेटा, यस प्रियांशी सिंह सेइंग मी, सपना, यस। नाउ रिमूवल ऑफ फ्लिश इज कॉल्ड शीप शेयरिंग, सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर इज कॉल्ड सॉर्टिंग, वॉशिंग वूल टू रिमूव ग्रीस इज कॉल्ड स्कोरिंग, एंड रोलिंग ऑफ शीप फाइबर इंटू यान इज कॉल्ड रोलिंग। ओके, सो यू कैन सी इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। अब मान लीजिए आपसे जनरल प्रोसेस में कुछ और पूछ लिया, आपसे ये पूछ लिया कि भाई शॉर्टिंग इज, तो सॉर्टिंग में आप इसको टिक कर देंगे, इसकी जगह आपको यदि स्कोरिंग दे दिया तो आप इसको चूज कर लेंगे, और इसकी जगह पर यदि आपको रोलिंग दे दिया तो आप इसको चूज कर लेंगे। अब इसमें सारे ऑप्शंस को समझने में ये फ़ायदा होता है कि अब क्वेश्चन में हम कितने चेंजेस कर दें। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्या होता है, क्वेश्चन वही रहते हैं लेकिन वो थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं क्वेश्चन में और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि वॉट वी हैव टू गिव एज अ आंसर। तो यहाँ आपने यदि क्वेश्चन को समझ लिया और सारे ऑप्शंस की मीनिंग को समझ लिया तो आंसर देना वैसे ईजी हो जाता है हमारे लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द टर्म सेरीकल्चर इज यूज फॉर, अब ये तो हमें पहले से पता है सेरीकल्चर का मीन्स क्या होता है, व्हेन ऑन द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑन अ लार्ज स्केल ऑन अ कमर्शियल स्केल, दिस इज कॉल्ड सेरीकल्चर। अब यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है दिस इज कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ बैक्टीरिया का तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। रीलिंग रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, यस इट इज रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, हमको डेफिनेशन तो पहले से पता है। So we will select this option number B, and making silk fabric from silk yarn, no, यहाँ पर सेरीकल्चर का means होता है जब silk worm को रेयर करते हैं, उन्हें पालते हैं for obtaining silk worm, this is called sericulture। अब यहाँ पर जो sentence है making silk fabric from silk yarn, सिल्क यहाँ से सिल्क फैब्रिक बना रहे हैं, ये तो वीविंग प्रोसेस में आता है। इन प्रोडक्शन ऑफ साड़ीज, यहाँ पर हम साड़ी को प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये सेरीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब साड़ी बनाने के लिए तो हम सिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं और भी अदर फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर इससे जुड़ी हुई चीज़ में नहीं आती है। ना क्वेश्चन नंबर 9, रीलिंग ऑफ सिल्क इज, देखिए जितनी भी टर्म्स मैंने आपको बार बार समझाई थी वो वही सारी टर्म्स यहाँ पूछी जा रही हैं। अब रीलिंग क्या होता है, रीलिंग मैंने आपको सिल्क के लिए बताया था कि जब ककून बन के रेडी हो जाता है, यानी कि जो ये जो कैटरपिलर होता है जब 5 से 6 वीक्स तक कंटिन्यू मुलबरी लीव्स पे फीडिंग करता है, उसके बाद 2 से 3 दिनों तक कंटिन्यू वो सलाइवा का सिक्रेशन करता है अपनी बॉडी के चारों ओर इन द फॉर्म ऑफ एट की फॉर्म में वो अपने माउथ को मूविंग करता है और सलाइवा का सिक्रेशन करता है अपने पूरे माउथ पर। एक्चुअली वो क्या होता है, लिक्विड सिल्क होता है जो वो अपनी पूरी बॉडी पर स्प्रेड करता है, और जैसे ही लिक्विड सिल्क एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, और यही क्या होता है एक्चुअली सिल्क होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये प्रोसेस पूरी होती है 2 से 3 दिनों में, तो उसके बाद एक्चुअली वैसे तो क्या होता है कि प्यूपा जो होता है वो ककून के अंदर डेवलप होता रहता है, लेकिन हमें ककून चाहिए, हमें फाइबर चाहिए होता है, तो इस स्टेज में क्या होता है कि ककून जो होता है वो उन्हें या तो बॉइल कर लिया जाता है या माइक्रोवेव में बेक कर लिया जाता है या सनलाइट के अंदर तेज़ धूप में रख दिया जाता है। इससे क्या होता है कि अंदर जो प्यूपा होता है वो मर जाता है और जो ककून होता है उसमें से लॉन्ग जो थ्रेड्स होते हैं, लॉन्ग जो स्ट्रैंड्स होते हैं फाइबर्स के, वो निकाल लिए जाते हैं। तो ये जो रीलिंग होती है, रीलिंग इज़ द प्रोसेस या वी कैन से सेपरेशन ऑफ सिल्क फाइबर्स फ्रॉम द ककून, दिस इज कॉल्ड रीलिंग प्रोसेस। सो अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क रील, नो। स्पिनिंग ऑफ सिल्क फाइबर, नो। वीविंग ऑफ सिल्क क्लॉथ, नो। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम ककून, यस
दिस इज द करेक्ट आंसर. रीलिंग का मतलब ये होता है कि सिल्क फाइबर्स को किसमें से, ककून में से अलग निकालना, उन्हें हम कहते हैं रीलिंग. सो रीलिंग ऑफ सिल्क इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द ककून फॉर यूज एज सिल्क. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10. सिल्क वॉर्म्स सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ. अब सिल्क वॉर्म जो फाइबर सीक्रेट करते हैं या जो फाइबर्स उनसे बनते हैं, वो फाइबर किसके बने हुए हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ फैट, सेल्यूलोज, प्रोटीन एंड नायलोन. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, नायलोन तो खुद एक केमिकल होता है, ठीक है? तो इसमें केमिकल का यूज़ तो होता ही नहीं. सिल्क वॉर्म नेचुरल फाइबर है, तो ऑब्वियसली नेचुरल मटेरियल से मिलकर बना हुआ है. सो इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन. अब यहाँ देखिए, सेल्यूलोज और प्रोटीन दो वर्ड हैं. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ प्लांट फाइबर, तो हर तरह के प्लांट फाइबर्स में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, ठीक है? यह आपको कन्फ्यूज नहीं होना है. इफ़ आई एम सेइंग टू यू इन प्लेस ऑफ सिल्क वॉर्म, इतनी मैं बोलती हूँ कॉटन फाइबर इज मेडअप ऑफ, यू हैव टू से सेल्यूलोज. जूट फाइबर इज मेडअप ऑफ सेल्यूलोज. फ्लेक्स फाइबर, कोइर फाइबर, ये सब किसके बने हुए होते हैं? सेल्यूलोज के. क्यों? क्योंकि ये प्लांट मटेरियल से मिलकर बना हुआ, जिनके अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज होता है. प्रियांशी सिंह, विच क्वेश्चन आई हैव टू एक्सप्लेन वंस अगेन? क्वेश्चन नंबर 9 और 10. 10 तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, 9 भी करना है तो मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पर जो सेल्यूलोज होता है वो किस में होता है? हर तरह के प्लांट फाइबर्स में. सो दीज फाइबर्स आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. अब यदि हम एनिमल फाइबर्स की बात करते हैं, यहाँ पर उन्होंने स्पेशली पूछा है सिल्क वॉर्म सीक्रेट फाइबर्स. अब सिल्क फाइबर है तो वो किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं. और इसी तरह से यदि हम वूल फाइबर्स की भी बात करते हैं तो वो भी किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं. क्यों? बिकॉज बोथ आर एनिमल फाइबर्स. सो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ एनिमल फाइबर, इट मीन्स दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ प्लांट फाइबर्स, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्यूलोज. ओके, आई थिंक इट्स क्लियर ना? सो सिल्क प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ सेरिसिन एंड फाइब्रोइन मेनली. ये आपको मैंने बताया भी चैप्टर इंट्रोडक्शन में कि जो सिल्क फाइबर होते हैं उसमें दो तरह के प्रोटीन होते हैं, सेरिसिन एंड फाइब्रोइन. फैट एंड सेलुलोज आर नॉट प्रेजेंट इन सिल्क एंड नायलोन इज अ सिंथेटिक फाइबर. ये तो ऑलरेडी एक फाइबर है, और वो भी कैसा फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विल सी फिल इन द ब्लैंक्स. एंड फिल इन द ब्लैंक्स फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. अब यहाँ देखिए, एंड के पहले भी एक फिल इन द ब्लैंक है जो मिस्टेक से स्किप हो गया है. सो फिल इन द ब्लैंक एंड फिल इन द ब्लैंक फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. यू नो वेरी वेल, आई टोल्ड यू अबाउट टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. यहाँ फर्स्ट में क्या बोला हमने? सिल्क. और सेकंड में हमने बोला है वूल. यू कैन सी आंसर इज देयर, सिल्क एंड वूल. सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक ऑफ सिल्क फिल इन द ब्लैंक. एंड दिस थिंग ऑल्सो वी नो वेरी वेल, सिल्क फाइबर्स जो होते हैं वो हमें सिल्क वॉर्म के ककून से मिलते हैं. सो वी विल राइट डाउन हियर, सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम ककून ऑफ सिल्क वॉर्म. इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट डाउन सिल्क मोथ ऑल्सो. ओके, तो सिल्क फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं? सिल्क वॉर्म के ककून से. वूल यील्डिंग एनिमल्स बेयर फिल इन द ब्लैंक ऑन देयर बॉडी. नाउ इट इज सेइंग अबाउट यू वूल यील्डिंग एनिमल्स. जो वूल देने वाले एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी में क्या होते हैं? उनकी बॉडी में, वो अपनी बॉडी में हेयर्स यानी कि फ्लीश रखते हैं. सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन राइट डाउन फ्लीश, और इफ़ यू वॉन्ट यू कैन राइट डाउन हेयर ऑल्सो. यू कैन सी हेयर ना? तो जितने भी वूल फाइबर्स देने वाले एनिमल्स होते हैं उन सब में क्या होते हैं? फ्लीश यानी कि हेयर्स होते हैं. हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ फिल इन द ब्लैंक विच इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ये आपको मैंने समझाया था अभी कि हमारी बॉडी को जो वूल फाइबर्स होते हैं वो वॉर्म कैसे रखते हैं. इसमें क्या होता है कि जो वूल फाइबर्स या वूल हेयर्स होते हैं वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं.
जो एटमोस्फेरिक एयर होती है वो फ्लफी फाइबर्स होने की वजह से एयर जो होती है वो उनमें ट्रैप हो जाती है एंड एयर इज अ पुअर कंडक्टर, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हो सकता है कि आपके फिल इन द ब्लैंक में कंडक्टर लिखा हुआ हो और पुअर को मिस कर दिया हो, तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो वूल फाइबर्स होते हैं दीज आर फ्लफी फाइबर्स और दीज फ्लफी फाइबर्स ट्रैप द एयर फ्रॉम द एटमोसफियर एंड दिस एयर इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट। दिस एयर डज नॉट अलाउ टू पास आर बॉडी हीट इन द एटमोसफियर और इसी कारण से हमें गर्माहट की फीलिंग आती है। ठीक है, विदान सिल्क वूल, WHOOL नहीं होता है बेटा, वो WOOL होता है। ब्रांचिंग सेइंग मी व्हाट इज ब्रीडिंग, बेटा ब्रीडिंग मैंने आपको बताया था पहले भी, जाति अलग अलग टाइप की जो प्रजातियां होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज जो होती हैं एनिमल्स की, उनको हम चूज करते हैं। ब्रीडिंग वैसे होता है फॉर रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग प्रोसेस इट मीन्स फॉर रिप्रोडक्शन, टू गिव यंग बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, छोटे बेबी को जन्म देना, इट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ब्रीडिंग करने के लिए या ब्रीडिंग के लिए जो ये लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रीड्स यानी कि जातियों को, प्रजातियों को चूज़ करते हैं, और उसमें वो ऐसी ब्रीड्स को चूज़ करते हैं जिनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो गुड होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम वूल फाइबर की बात कर रहे हैं, तो वूल फाइबर के लिए वो बेस्ट क्वालिटीज़ क्या देखेंगे कि उनके जो हेयर्स हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, थिन होने चाहिए, लॉन्ग होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए और काफ़ी थिक भी होने चाहिए यानी कि बहुत घने होने चाहिए। तो इन क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग वो ब्रीड को चूज़ करते हैं। आर यू गेटिंग ना, फॉर रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर वो अच्छी क्वालिटीज़ के ब्रीड के पेरेंट्स को चूज़ करते हैं, ना कि स्मॉल बेबीज़ को, ताकि उनसे जब ब्रीडिंग प्रोसेस हो यानी कि जब रिप्रोडक्शन होगा तो उससे क्या होगा, जो यंग वंस होंगे उनके अंदर भी वो सेम क्वालिटीज़ पाई जाएंगी। आगे बात समझ में, तो ये होता है सिलेक्टिव ब्रीडिंग, यानी कि इसमें हम गुड क्वालिटीज़ ऑफ ब्रीड्स यानी कि पेरेंट्स की हम गुड क्वालिटीज़ ऑफ ब्रीड्स को चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस वन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल ना, नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिएगा एंड डोंट चेट टू ईच अदर। बेटा मैंने कितनी बार बोला है, ओनली फोकस ऑन स्टडी, थोड़ी देर हम स्टडी करते हैं उस पर भी आप लोग अपनी मस्ती में लग जाते हैं। ठीक है, अब चैप्टर क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको प्रॉपरली स्टडी करना है। ठीक है, एंड वी विल स्टडी रिमेनिंग क्वेश्चंस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, जय श्री राम।